सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो सबने देखा और माना कि गाड़ी के अंदर बैठे दो लोगों की गलती है, मगर ये मामला इतना सीधा इतना सिंपल नहीं है कि आप अपनी एक राय बना दें। मामला ये था कि दिल्ली का एक कपल अपनी खुद की गाड़ी के अंदर बैठा था, ये हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है। पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी रोकी और उनकी सहमति के बिना उनका वीडियो बनाया, मगर कपल ये दलील देता दिख गया कि उन्होंने जो मास्क नहीं पहना है अपनी गाड़ी के अंदर वो इसलिए क्योंकि गाड़ी उनकी प्राइवेट गाड़ी है और हस्बैंड वाइफ है। संविधान क्या कहता है कि गाड़ी अगर प्राइवेट है मगर पब्लिक प्लेस के अंदर है तो उसको क्या पब्लिक प्लेस माना जाएगा या वो एक प्राइवेट जगह है? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। कोर्ट भी आपस में इस बात में अलग अलग मतभेद रखते हैं। कानून के जानकारों का एक ब्लॉग है, उसके अंदर एक बड़े कानून के जानकार बताते हैं कि लॉ के अलग अलग आंसर हो जाते हैं जबकि वो होता एक ही है। 1999 में केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि अगर प्राइवेट गाड़ी पब्लिक रोड के ऊपर है तो उसको प्राइवेट स्पेस समझा जाएगा। हाई कोर्ट केरला का हो या कहीं का भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, उसकी परिभाषा एक सी होती है। और अगर हाई कोर्ट केरला ने 99 में कह दिया कि गाड़ी अगर सड़क के ऊपर है तो भी वो प्राइवेट स्पेस समझी जाएगी क्योंकि वो कानून को जानते हैं, संविधान को जानते हैं। 1999 के बाद में 2019 के अंदर बताया जाता है कि अगर प्राइवेट कार पब्लिक रोड के ऊपर है तो वो पब्लिक प्लेस ही मानी जाएगी। अब हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, मगर आपके और हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं वो तो समझ ही नहीं सकते कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात का मीनिंग क्या है, क्योंकि उनकी व्याख्याएं हैं वो केवल स्पेशलिस्ट बता सकते हैं। मगर मामला अभी खत्म नहीं हुआ। 7 अप्रैल 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट एक और रूल पास करता है और वो बताता है वही जो पुरानी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि प्राइवेट कार इज अ पब्लिक प्लेस और इसीलिए उसके अंदर मास्क पहनना जरूरी है चाहे अकेला भी ड्राइव कर रहा हो। अब देखिए पब्लिक प्लेस के साथ में क्या समस्या आ जाती है वो समझिए। पहली बात तो कार का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्राइवेट व्हीकल के नाम से होता है, कमर्शियल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से नहीं होता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया जो अभी आया है। चौथी बार यहां पर चेंज आ गया है, 16 अप्रैल की आप ये खबर देख रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल इज नॉट अ पब्लिक प्लेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि प्राइवेट व्हीकल पब्लिक प्लेस नहीं है। भारत का संविधान विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा मतलब सबसे लेंथी संविधान है, इसमें 1,40,000 से ज्यादा शब्द हैं। कुल मिला के 1,46,385 वर्ड के साथ में सबसे बल्कि संविधान हमारा है और सबसे छोटा संविधान मोनेको का है जिसके अंदर 4,000 वर्ड भी नहीं है, वो बहुत ही रिच कंट्री है। और कंपैरिजन के लिए आप देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता है वो भी 8,000 वर्ड्स का भी पूरा नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में पता होगा तभी तो संविधान के हिसाब से एक्शन ले पाएगा। अगर संविधान इतना बड़ा है उसके बाद में भी कोर्ट्स आपस के अंदर डिसाइड नहीं कर पा रही या फिर डिसाइड तो कर रही है, वो कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर ये प्राइवेट है, इस मामले के अंदर ये पब्लिक है, तो साधारण आदमी बेचारा कहां जाएगा। वैसे कोर्ट को ये कहना इसलिए पड़ा था क्योंकि एक बड़ा मामला फंस गया था और उस मामले को समझोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर इसको पब्लिक प्लेस बना दिया जाएगा तो पुलिस के सामने क्या समस्याएं आएंगी। अब समस्या ये आ गई थी, पुलिस वालों को भी कोर्ट को भी समस्या ये आ गई थी कि अगर आपकी गाड़ी पब्लिक प्लेस है और वहां पर कोई गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया जाता है तो आप कह सकते हो कि भाई ये तो पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस से आपने सामान जब्त किया है, इससे हमारा क्या लेना देना, मतलब उसको जिम्मेदार ठहराने में एक कानूनी पेच फंस जाता है। और इसी वजह से यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि 3 अभियुक्त थे जो गाड़ी के अंदर बैठे थे, उनके गाड़ी के अंदर कुछ सामान मिल गया और सेक्शन 43 के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया, मगर कोर्ट ने कहा कि यह मामला सेक्शन 42 का है, इसीलिए ये तीनों के तीनों बरी हो गए। कोरोना के समय में सबको मास्क लगा के घूमना चाहिए, यह बिल्कुल सही बात है। इस मामले को पब्लिक के सामने लाया गया, पुलिस ने उनका वीडियो बनाया, सर्कुलेट किया, तो यहां पर इन्होंने जो किया वो देखा जाए तो साधारण भाषा में शायद उन्होंने गलत नहीं किया हो, मगर टेक्निकल इसके ऊपर बहस की जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।